ये है, तुम सारी खेर संत प्रिय मोरे, देह धरो नहीं आने नहीं हो रहे। अरे ये खटमल मच्छर मारने के लिए और दुनिया भर की सेना लेके करोड़ों करोड़ों की पदम 18 यूथब बंदर, अब इतनी भीड़ करके नाटक करने की क्या जरूरत थी? तो ये सब नाटक है, और ये नाटक इसलिए कि गाय गाय करके और या सुना सुना करके और सुनाने और गाने वाले दोनों का कल्याण हो, बाकी उनका अवतरण केवल तुम सारिखे संत प्रिय मोरे उन्हीं के वचन दे धरो नहीं आन नहीं हो रही, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सद्गुरु जन्म शताब्दी महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। अपार करुणा वरुणालय भगवान श्री रमण बिहारी के अनंत अनुग्रह से आज इस दिव्यातिदिव्य श्री वृंदावन धाम में और उस पर भी इस रसिक त्रय की मिलन स्थली में, रसिकत्रय की
सन्निधि में सुखदेव स्वरूप पूज्य व्यास जी महाराज मलोक पीठाधीश्वर जी महाराज के श्री मुखारविंद से रसिकों की भी आचार्या भगवती ब्रज सीमंतिनी गोपिकाओं के द्वारा उद्गीत गोपी गीत के माध्यम से जो रसप अब सरिता कहने में संकोच लग रहा है, सरिता तो थोड़ी छोटी होती है, कोई महानद कह लो तो उस महानद का प्रवाह होने जा रहा है। अब बड़े बड़े अरबपति बैठे हुए हैं और बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष बैठे गौ वत्स बैठे हुए हैं। हमको यहाँ बहुत देर तक रहना चाहिए था, ये हम बना के कार्यक्रम महाराज जी से कह के भी आए थे और अपने भंडारी से भी कुछ जबरदस्ती न्योता मांग के आए थे, लेकिन आप लोगों के सुन करके भी कान पवित्र होंगे। जब हमारे गुरु महाराज समाधि लेने जा रहे थे और हम तो पेट पोछना है छोटे, माने शरीर से थे बुद्धि से तो अभी तक छोटे, अब हम क्या बताएं तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी अब चलो विचार कर कि महाराज आप तो लीला करके चले जाओगे, हमको सहारा कौन दे, अब आप हमको सावधान रहने दो, नहीं तो आप करोगे तो हम भी गड़बड़ा जाएंगे, हम बहुत सावधान होके बोल रहे हैं, आप विफल हो गए तो हम आपसे ज्यादा हो जाएंगे। तो अत्यंत अनुग्रह पूर्वक रात्रि का समय मसहरी लगी हुई थी जैसे, तो हमने कहा महाराज जी आप चले जाओगे और हम तो अनाथ हो जाएंगे। तो बहुत उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन गुरु की करुणा का उदाहरण दूसरा कोई नहीं है, आपके सामने मैं कह रहा हूं प्रमाणिक, गुरु की करुणा के बराबर करुणा किसी की नहीं है। अत्यंत करुणापूर्वक उन्होंने सिर के ऊपर हाथ फिरा के कहा बेटा शरीर का संबंध तो नहीं रहे ये सच है, लेकिन मैं तुमको लालटेन पकड़ा के जा रहा हूं, इस लालटेन को तुम पकड़े रहो, अगर लालटेन पकड़े रहोगे तुम्हारे 10 कदम आगे का मार्ग तुमको प्रशस्त्र प्रकाशित दिखाई पड़ेगा, तो मेरा मैंने तो हमारी ही हमारा वियोग का अनुभव ही नहीं करोगे। हाथ उठा के कह रहा हूं उनके वाक्य यथार्थ, गुरु का शब्द उनका साक्षात अनुग्रह है, उनका रूप है, गुरु की अनुभूति निरंतर अगर बनी रहे तो जहां जहां भटकने के मार्ग आएंगे, आते तो हैं लेकिन भटकने जगह में गुरु पता नहीं कैसे नाटक करके हाथ पकड़ के चल निकल यार, अरे मकड़ी बन के बता देता है, वेश्या बन के बता देता है, तीर बनाने वाला बन के बता देता है। दृष्टि होनी चाहिए व्याप्तम ये चराचरम, इसलिए आपका सौभाग्य है आप इसमें आनंद लें। जितनी भी चूंकि इस द्वाराचार्य जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के जो गोपी गीत के माध्यम से अनुग्रह करने जा रहे, अनुग्रह तो इनका है, माध्यम कुछ भी करे, यह दोनों अभेद है, ये भी काहे को हम मूड़मारी करें, वही गाने वाले वही बताने वाले वही सुनाने वाले, तो उनको बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक वंदन करता हूँ। मुनि त्रयम नमस्कृत्य, हमारे प्रौदी वाले पुरुष विद्वान है और आप सब सनिधि महापुरुषों को मैं प्रणाम करते हुए, और जय हम तो भूल ही गए थे इसमें हमको कोई कर्तव्य भी है, तो आप लोग हमको आज्ञा अब
व्यास आसन से नहीं उठा जाता महाराज जी, आप काहे गड़बड़ कर रहे हो, आप बिराजे रहो, आपका भाव तो आइए, तो हम यहाँ से जाने की अनुमति। और देखो शिष्टाचार तो आप लोग बहुत करते ही हो, हमको मिलते रहते हैं, लेकिन अभी कोई उठेगा नहीं। जब व्यास आसन पर महापुरुष विद्यमान हो जाएं तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, भगवान भी नहीं होते। अरे व्यास के गुरु क्या दादा गुरु भी, वो भी बड़े नहीं होते। जब सुखदेव जी कथा कर रहे थे, उनके गुरु, उनके परम गुरु, परमेश्वरी गुरु और भगवान सब आए, सब नीचे बैठे, सुखदेव जी ऊपर बैठे, क्योंकि एक व्यास आसन की मर्यादा है। तो मैंने इसलिए ये कहा कि आप लोग खड़े होकर के हड़बड़ तड़बड़ मत करना, इस मर्यादा का पालन करना कि पूज्य व्यास जी आसन पर विद्यमान हैं, तो हम किसी प्रकार की कोई हलचल न करें, श्रद्धा भक्ति पूर्वक वहीं निर्निमेष आपकी दृष्टि रहे। यदि आवश्यक संतों की सेवा के लिए न जाना होता तो आज तो हमको यहाँ विराजना ही था।